ये मेरे पास पोर्टाकेबल्स हैं 11 नंबर, ठीक है। इसका मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट तो बना दी है ऑलरेडी, लेकिन अभी मैं इसका लोड शेड्यूल बना रहा हूँ, तो साथ साथ में मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये किस तरह बनता है लोड शेड्यूल इसका इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। जैसा कि ये पोर्टाकेबल है इसका, ये इधर से ये एंट्रेंस है, ठीक है, ये डोर है इसका, ये फिर कॉरिडोर है, ठीक है। इधर आके ये भी एक ऑफिस सा है, ठीक है, और इधर आके ये भी एक ऑफिस सा है, ठीक है। ये टॉयलेट है ये वाला, और ये भी एक ऑफिस है छोटा सा, ठीक है। इन तीनों ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, ये स्प्लिट एसी 1.5 टन, ये इधर लगा हुआ है, इसका इंसुलेटर इधर लगा हुआ है, ठीक है, ये इंसुलेटर का निशान है। इस ऑफिस में 6 लाइट लगी हुई है, ठीक है, और 3 जो है 13 एम्पेयर के डबल स्विच सॉकेट लगे हुए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर वगैरह लगाते हैं, उसका सिंबल ये है, ठीक है। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो निशानी है लाइट का है, ये ऊपर सीलिंग में लाइट लगी हुई है 6 नंबर, ठीक है। सेंटर में इसमें SD मतलब स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, और एक इमरजेंसी का लाइट लगा हुआ है, ठीक है। इमरजेंसी का लाइट का सर्किट मैंने इस लाइट से, और ये तीन लाइट है, तो तीनों का मैंने एक सर्किट अलग बनाया हुआ है, ठीक है। इस रूम का 6 लाइटों का मैंने अलग सर्किट बनाया हुआ है, और सॉकेट जो है उसका भी मैंने अलग सर्किट बनाया हुआ है। इसका जो AC है वो भी अलग मैंने सर्किट बनाया हुआ है। एस पर पीवा और दीवा सीवा जो यूएई में कानून है, तो उसके मुताबिक अगर आपके DB 3 पेज है तो हर रूम में जो है आप सेम पेज रखोगे, मतलब आपने इधर लाइट के लिए रेड यूज़ किया तो आप सॉकेट और AC वगैरह के लिए भी रेड यूज़ करो। दूसरा MCB होगी लेकिन सेम कलर होना चाहिए, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर मिनिमम 2 मीटर, दो पेजों के दरमियान में मिनिमम 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर लाइट इधर है तो इसके और सॉकेट के जो वायर्स है उसके 2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं उसके मुताबिक बना रहा हूँ। जैसे ये R हो गया, ये वाला जो जगह है ये पूरा Y का है, तो इधर ये देखो Y1 लाइट के लिए मैंने दिया हुआ है, और Y3 जो है ये सॉकेट के लिए, Y4 AC के लिए। अगर इस जगह पे आप आ जाओ तो ये B का सर्किट मैंने बनाया हुआ है, लाइट 6 लाइट है, तो मैंने B1 दिया हुआ है इस टॉयलेट के साथ, और जो इमरजेंसी लाइट है उसको मैंने B2 दिया हुआ है, सॉकेट के लिए मैंने B3 दिया हुआ है, ठीक है, और AC के लिए मैंने B4 दिया हुआ है। ये मेरा DB इस तरह मुकम्मल हो गई। अभी मैं इसका लोड शेड्यूल में आ जाता हूँ। ये इसका लोड शेड्यूल है, अभी मैंने इसको अपडेट करना है, ठीक है। जो पहला लोड शेड्यूल था वो सिंगल पेज का बना हुआ था, तो अभी मैं इसको 3 पेज बना रहा हूँ, तो ये रेड येलो ब्लू हो जाएगा, R2 Y2 B2। इसको हम जो है बड़ा कर देंगे इस तरह, ठीक है। इसको इधर से पकड़ के इसको पोर पोल कर देंगे, इसको भी पोर पोल, मतलब LCB होगी, अर्थली की सर्किट ब्रेकर या इंसुलेटर हो गया मेन, इधर से आप बंद कर दोगे पूरा बंद हो जाएगा डीवी। इसकी मैं पिक्चर दे दूंगा, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। ये आइसोलेटर हो गया, ये LCB हो गया, और ये वाली जो है ये MCB है, इसका मैं पिक्चर दे देता हूँ, ये MCB हो गया, ठीक है। केबल हो गया, दो केबल हो जाएगी, एक न्यूट्रल और एक बेस के लिए और एक अर्थ के लिए, ठीक है। तो इस पर सीवा जो है शारजा का कानून के मुताबिक वायर का जो साइज है अर्थ का और बेस का वो सेम होना चाहिए। ये इसका एरिया आ गया, इधर हम क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ ड्राइंग में,
ये मेरे पास R1 में कितने लाइट है, 6 लाइट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कंड्यूट इस तरह किया हुआ है। इधर से जो है वायर डायरेक्ट DB में जाएगी, इधर अगर आप देखोगे ना ये इस तरह आएगी साइड पे, ठीक है। तो इधर से R1 से केबल निकल के डायरेक्ट इस लाइट में आएगी और इधर कनेक्ट हो जाएगी, बस बात इसका ख़त्म हो गया। फिर आपने Y1 देखना है, Y1 ये वाला है, तो जिधर मैंने एरो दिया हुआ इधर से एक वायर निकल के इस DB में आएगी, वो हम बनाते नहीं हैं, ठीक है। और इधर से एक और वायर भी इधर आके नीचे स्विच में आएगी, ठीक है, इधर से आके इसमें स्विच में और स्विच से फिर लाइट में, ठीक है, ताकि स्विच से आना हो जाए। लेकिन आएगी R1 से और ये आएगी Y1 से, तो इसका किसी और के साथ लिंक नहीं है। अच्छा, तो Y1 में है, R1 में है 6 लाइट, तो इधर हम एरिया लिख देंगे फर्स्ट 8 6 लाइट हो गए LTG लाइट। इधर यूनिट लिख देंगे, एक लाइट का 100 है तो 6 का हो जाएगा 600। आप इस पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसको प्लस करके इस पे क्लिक करके फिर मल्टीप्लाई, फिर की जो एरो की उसके उस पर आके अमाउंट से इधर क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली इस पे फार्मूला लग गया। F2 आप प्रेस करोगे तो ये इस तरह आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो I7 है वो मल्टीप्लाई बाई P7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इससे ये आ गया। इधर भी आप सेम ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अभी Y1 में आ जाते हैं। Y1 में क्या क्या है, Y1 में कॉरिडोर आएगा और सेफ्टी रूम आएगा। कॉरिडोर प्लस सेफ्टी रूम, ठीक है, इसमें लाइट गिन लेंगे 3 और 3 और 1, 7 लाइट है, ठीक है। इसमें जो है एंट्रेंस का लाइट भी है, इधर हम लिख देंगे एंट्रेंस। Ctrl D से आप ऊपर Ctrl D प्रेस करेंगे तो ये ऊपर का जो भी होगा वो नीचे आ जाता है। इधर हम प्लस इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 7 आ गया। फिर B1 में आ जाते हैं, B1 में HR ऑफिस है और टॉयलेट है, ठीक है, तो 6 जमा 7 6 और 1 7 हो गए और 1 एग्जॉस्ट है। HR ऑफिस प्लस टॉयलेट, 7 लाइट है, 1 एग्जॉस्ट है, ये ऊपर आप देख सकते हैं EX एग्जॉस्ट पेन और LTG लाइट। हर एक लाइट का जो है हम 100 लेते हैं। इधर प्लस, अभी इधर जो है वो ये चीज़ें आ रही है, तो इधर फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको मैन्युअली कर देंगे। एग्जॉस्ट का भी किलोवाट जो है वो 0.1 होता है, मतलब वाट जो है 100 होता है। अभी आ जाते हैं R2 में। R2 में हमारे पास कुछ नहीं है, Y2 में भी कुछ नहीं है, B2 में जो है इसको हम LCB इन सब के लिए 1 कर देंगे, ये भी 10, LCB 10 कर देंगे, ये इधर जो है 2.5 केबल हो जाएगा। इधर हम कर देंगे इंजन सी लाइट, तीन लाइट हो जाएंगे, ये हो जाएगा स्पेयर। इसके बाद में अगर कोई चीज़ इसमें आएगा तो वो आएगा, इसमें 50 कर देंगे। इस पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, ये मैं इधर Ctrl D मार देता हूँ तो ऊपर वाले नीचे आ जाता है, दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इधर आ गए R3। अच्छा, लाइट के लिए हम जो है
LCB यूज़ करते हैं 100 mA, और सॉकेट के लिए हम यूज़ करेंगे 30 mA। सेम LCB होगी 40 एम्पेयर। फोर पोल मतलब 4 केबल आएगी उसमें, रेड येलो ब्लू, और साथ में न्यूट्रल भी आएगा ताकि कोई लीकेज हो वो रिटर्न अर्थ के जरिए न्यूट्रल के ज़रिए जाएगा वापस LCB में, तो वो ट्रिप कर जाती है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं सॉकेट पे। R3 में कितने सॉकेट है? 1, 2, 3। इधर केबल जो है हम 4 यूज़ करेंगे mm। इधर हम लिख देंगे फर्स्ट, और डायरेक्ट आ जाता है 3 है टोटल लोड। एक सॉकेट का डबल का जो है वो आता है, इसके ये मुंह 2 है ना, इधर से चूंच बना हुआ है, तो ये इसका मतलब है 2 सॉकेट है। ठीक है, और डबल जो सॉकेट होता है, तो इसका हम लोड लेते हैं 400 वाट। ठीक, तो ये आएगा आर में, तो इधर से इसको फार्मूला लगा के फिर बाद में अगर आप चेंज करोगे इसको 4 करोगे ऑटोमेटिक ये 1200 ये चेंज हो जाएगा। अभी 3 है तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला लगेगा, वरना आप फिर आपने इधर भी चेंज करना है और इधर भी चेंज करना है तो डबल हो जाता है। ये अब 800 से ऊपर जितना भी होगा वो रिंग सर्किट बनेगा। रिंग सर्किट मतलब DB से 2 केबल आएगी, MCB से निकल के वो जो 3 सॉकेट होंगे, जो पहला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो जो पहला वाला सॉकेट होगा उसमें लग जाएगा, और जो दूसरा केबल होगा वो जो लास्ट 3 नंबर सॉकेट होगा उसके एंड पे लग जाएगा, और इस सॉकेट से तो ये रिंग बन जाएगा, उसका लोड जो है वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा दोनों पर, तो केबल थोड़ा मतलब उसके एम्पेयर सही रहेंगे। 800 और 800 से जितना भी ज़्यादा हो 4-5 तक आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं Y3 में, और इसका जो इधर MCB अब लगाओगे, अगर रिंग होगा तो वो 32 एम्पेयर लगानी है, रिंग से कम होगा 800 से कम होगा तो फिर आपने इधर 20 लगाना है। ठीक है, तो अभी रिंग है तो ये हम 32 रख देंगे। अच्छा, Y3 में अब देख लेंगे कि कितने हैं। Y3 में 2 है। ठीक है, दो डबल है। ठीक है, कंट्रोल डी प्लस, चार आप इसमें देख लेंगे, 1, 2, 3 है। इसको कंट्रोल डी आ जाएंगे, सारे रिंग सर्किट हैं। फिर R4 में क्या है? R4 Y4 B4, इसको हम इधर से ये लगा देंगे लाइन। ठीक है, इसकी एक कॉपी करके इधर, इसी के लिए हम जो LCB यूज़ करते हैं वो 100 यूज़ करते हैं mA, तो R4, और जो MCB हम यूज़ करेंगे उसके लिए 32, केबल 6, अर्थ के लिए भी 6। तो AC का LCB हो गया पूरा, इसमें 3 AC आ जाएंगे। पहला जो है फर्स्ट एड रूम हो जाएगा, दूसरा जो है सेफ्टी रूम। ठीक है, और तीसरा HR ऑफिस। इधर आके आपने स्प्लिट का एक कॉलम बनाना है। ठीक है, इसमें आपने 111 वाटेज में आपने लिखना है 3000। एक स्प्लिट यूनिट का जो है 3000 होता है, विंडो का जो है वो 2005, विंडो AC का जो है 2005 होता है। तो इधर आपने 3000 3000 3000, आपने इधर जो है ये लोड भी पेजों का बैलेंस रखना है। ठीक है, जैसे अभी ये 4800 हो गया, ये 4500 हो गया, और ये 4750, ये 1000 से इस दोनों में 1000 का डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये फिर जो दीवा होती है वो अप्रूव नहीं करती। ठीक है, ये इसके टोटल वाट है 14000,
इधर मैंने डिवाइड बाय 1000 किया तो ये किलोवाट बन गए, ठीक है, वाट और ये किलोवाट, ठीक है। 1000 वाट जो है वो 1 किलोवाट होता है, ठीक है। इधर मैंने पावर फैक्टर लगाया हुआ है जो 0.8, ठीक है। इधर मैंने इसके साथ ये फार्मूला लगाया हुआ है, अगर आपने लगाना हो ये ख़त्म कर देता हूँ। ठीक, इधर प्लस का निशान लगा के, ठीक है, तो इस पर क्लिक करें और फिर डिवाइड बाय 0.8 करें, तो ये आपके पास केवी आ गया इसका, ठीक है। ये किलोवाट है, ये केवी है, ठीक है। इसके लिए अभी हम ये जो ऊपर है इसको हम 3 को ख़त्म कर देंगे, हमें इतना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर देंगे, बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसमें 20 का एक स्पेयर ब्रेकर रख देंगे और ये दो जो है स्पेस हो जाएंगे। इन तीनों को हम कॉपी करके, और ये हमारा लोड शेड्यूल रेडी हो गया। इसमें अगर केबल सॉरी रह गई, इसके लिए हम केबल जो है 4 कोर 10 यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस अर्थ का केबल, कॉपर अर्थ केबल ECC, इस वाले पोटा केबल का लोड शेड्यूल रेडी हो गया। ये जो DB है ये हम इसके मुताबिक बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई मुश्किल आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।